हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल को, और मैं हूँ ब्यूटिशियन भी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेयर स्टाइल्स। एक आधी हेयर स्टाइल मैंने पहले भी शेयर की है, पर आप अगेन ज़रा दूसरे मेथड से मैं बता रही हूँ। तो देख लीजिएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, और मुझे बताइएगा कि आपको हेयर स्टाइल पसंद आई तो मैं और भी हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइस, रात को ये बेडशीट बदल दिया है, और इसमें मुझे ये बेडशीट चेंज करने में जय ने मुझे हेल्प किया था। और अब निकलते हैं पार्लर पे, और पार्लर पे जाके हेयर स्टाइल करते हैं स्टूडेंट के साथ मिलके, और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने शावर ले लिया है और बस अब निकलूँगी पार्लर के लिए। खाने में मैंने गाइस बैंगन की सब्जी, दाल चावल और रोटी बना ली है। तो अब जाती हूँ पहले तो मम्मी के घर, मम्मी को पिक करती हूँ, और मम्मी के साथ पार्लर पे जाते हैं। फिर प्ले स्कूल चालू हो जाएगा, तो प्ले स्कूल में बच्चे आएंगे, तो बच्चों के साथ खेल कूद मस्ती पढ़ाई सब चलेगा मेरा। और उसके बाद हो जाएंगे 12:30 को बच्चे लोग, फिर थोड़ा सा क्लीनिंग वर्क हो जाएगा मेरा, और उसके बाद 2:30 को क्लास वाले आ जाएंगे। तो क्लास वाले आएंगे तो उसके साथ मैं उनको आज हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ वो हेयर स्टाइल। तो फ्रेंड्स, थोड़ी हेयर स्टाइल का, बहुत दिन हो गए मैं हेयर स्टाइल नहीं दिखाई हूँ आपको। एक्चुअल में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने हेयर स्टाइल से ही स्टार्ट किया था। मतलब हेयर स्टाइल ने एक मेरे पास गोवा का रूम टूर का वीडियो था, वो उससे मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद हेयर स्टाइल ही बता रही थी। तो बहुत दिन हो गया मैं मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, पर हेयर स्टाइल साइड में रह जाता है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो के साथ मैं हेयर स्टाइल आपको बता देती हूँ। और उस अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको वेलकम, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। तो चलिए गाइस, निकलती हूँ पार्लर के लिए, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा हेयर स्टाइल के कुछ वीडियोस। देखिए मेरा रूम किस तरह से दिखता है।
ये हमने हाफ बालों को लेके फ्रेंच रोल बनाया है। ऊपर से पार्टिंग कर लिया है और हाफ बालों का फ्रेंच रोल बनाया, हाफ बाल ऐसे रखे हैं। यहाँ से भी ले लेना एक बार घुमा दो ऐसे। प्रॉपरली यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। और ये जो बाल बचे हैं उसकी खजूरी चोटी बनाएंगे। खजूरी चोटी बनाने के लिए हमें दो पार्ट करना है, लिख रहे हैं प्रॉपरली, दो पार्ट करना है। यहाँ का पार्ट इसमें लेना है और यहाँ से पार्टी इसमें लेना है। जैसे चोटी बनाते हैं इस तरह से, लेकिन चोटी में अपन तीन पार्ट करते हैं, उसके बजाय दो पार्ट करके खजूरी चोटी बनाना स्टार्ट करना है। हर एक पार्ट में से थोड़े थोड़े पार्ट लेते जाना है और इस तरह से हमारी खजूरी चोटी बनेगी। ये हमारे दो ही पार्ट है, दोनों पार्ट में से यहाँ से पार्टिंग लेके हम इसमें डाल रहे हैं और यहाँ से पार्ट लेके हम इसमें डाल रहे हैं। एक रबर पाइजे ना ना, नीचे हम सादी चोटी बना लेंगे क्योंकि हमें उसको उसके राउंड घुमाना है, तो हमारे लिए इतनी चोटी बस इतना पतला स्टेप्स का नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यहाँ पे पिन अप करेंगे। यू पिन देना, यू पिन हमने इस तरह से हमारी चोटी को पिन अप कर दिया। तो ये है हमारी खजूरी चोटी, देखिए यूपी। कहीं भी आपको लगे बाल थोड़े से ये लग रहे हैं वहाँ पे आप यूपिन से उसे फिक्स कर दो। तो ये हमारा चोटी देखने में बहुत सुंदर दिखता है।
आप ये खजूरी चोटी जितना पतला पार्टिंग लेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, वो बहुत सुंदर दिखता है।